दोस्तों स्क्रीन पर जो सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, वैसे तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स हम कोरल ड्रॉ, पेज मेकर या एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइन करते हैं, लेकिन आज ये सर्टिफिकेट हम एमएस पेंट में डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए सर्टिफिकेट का साइज जो है हमें लेना है A4, और A4 का मतलब होता है उसकी विड्थ 11.69 और हाइट होना चाहिए 8.27। तो साइज चेंज करने के लिए हम चलते हैं सबसे ऊपर फाइल मेनू में और प्रॉपर्टीज में। यहां पर हमें इंच सेलेक्ट करना है, विड्थ मैंने कहा 11.69 होना चाहिए तो हमने किया 11.69 टैब, और हाइट हमें चाहिए 8.27 इंचेस। ठीक है, तो विड्थ और हाइट हमने सेट कर ली है, इसका मतलब ये कि हमने A4 साइज सेलेक्ट किया है। अब ओके करते हैं। तो ये A4 साइज सेट हो चुका है उसकी विड्थ और हाइट लेकर। अब मैं एक बॉर्डर क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो बॉर्डर के लिए मैंने सेलेक्ट किया शेप में जाकर रेक्टेंगल, और जहां से भी हम चाह रहे हैं सही लोकेशन पर जाकर माउस का क्लिक बटन दबाएंगे और ड्रैग करेंगे तो एक शेप डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी बॉर्डर हो गई है। बॉर्डर को अगर हम कोई और कलर देना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, तो मैंने इसको कलर किया मान लीजिए रेड। ठीक है, इसका साइज हम छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर जो है चारों ओर की पतली होना चाहिए या मोटी होना चाहिए, जितनी भी विड्थ हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर ली, तो हमें तो फुल साइज चाहिए। अब इसको मैं कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करके थोड़ा सा जूम इन करता हूं। मैं इन कॉर्नर पर कुछ डिजाइन बनाना चाह रहा हूं ताकि हमारा सर्टिफिकेट सुंदर लगे, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं एक शेप, सर्कल या इसको ओवल भी हम बोलेंगे, और यहां पर एक शेप डिजाइन करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर हम कोई भी शेप डिजाइन करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, तो मैंने शिफ्ट को यूज किया। शिफ्ट को दबा के रखना है और ये बिल्कुल गोल बन चुका है। अब देखिए पीछे बैकग्राउंड में इसका साइज मुझे थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है, तो शिफ्ट के साथ ही हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मैं उसको हटाना चाह रहा हूं, तो इसके लिए फील ऑप्शन में जाएंगे और सॉलिड कलर। ठीक है, तो ये हमने शेप डिजाइन कर लिए, मुझे एक और शेप चाहिए तो मैंने शिफ्ट के साथ एक छोटा सा शेप और डिजाइन किया। ठीक है, अब कीबोर्ड से चार एरो की है, या तो हम माउस से पकड़ के इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं या फिर चार एरो की ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो एरो की से लेफ्ट या राइट में जाकर इसको हमने सही जगह पर अरेंज किया। ठीक है, एक शेप मुझे और बनाना है, तो शिफ्ट के साथ मैंने फिर से एक शेप ड्रॉ की जो कि साइज में से थोड़ी सी छोटी होना चाहिए, इसको भी हमने सही जगह पर अरेंज किया। ठीक है, राइट लेफ्ट जितना भी ले जाना हो, अगर माउस से काम नहीं करते बन रहा हो तो कीबोर्ड आप यूज कर लीजिए, और कीबोर्ड से आपको कंफर्टेबल नहीं लगे तो माउस का इस्तेमाल करिए। तो ये हमने शेप को सही जगह पर अरेंज कर लिया। अब इसका साइज में कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। अब सेम टू सेम साइज ऊपर भी मुझे चाहिए, तो सेलेक्ट टूल मैंने लिया और जितना भी मैं चाहता हूं उतना मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके राइट क्लिक पर मिलेगा आपको कॉपी, या फिर कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का यूज करके भी हम कर सकते हैं, और किया पेस्ट। तो पेस्ट करने पर सेम टू सेम एक शेप और आ जाएगी, इसको हम करते हैं रोटेट। ठीक है, रोटेट लेफ्ट 90। ठीक है, और इसको उठाकर हमने सही जगह पर अरेंज किया। थोड़ा सा सावधानी से आपको काम करने की जरूरत है अगर। ठीक है, ये हो गया। लेफ्ट राइट अप डाउन की का यूज करके हम सही जगह पर इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमने एक शेप यहां पर बॉर्डर में एक डिजाइन रख दी है। अब सेम टू सेम डिजाइन राइट में, राइट लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में, सभी दूर चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। सेलेक्ट टूल लिया और जितना भी हम चाहते हैं उतना सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, तो पेस्ट पर ये आ गया है। अब इसको रोटेट करना है, घुमाना है, तो घुमाने के लिए हमारे पास तरीका है, रोटेट हम कर दे राइट 90, ये हो गया। इसको उठाकर हम सही जगह पर अरेंज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से हम ले चलते हैं ताकि कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा राइट में ले जाने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया। अगर कीबोर्ड से अगर सही नहीं हो पा रहा हो तो माउस का भी यूज हम कर सकते हैं, मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग रही है। ठीक है, ये हमने एक शेप यहां पर रख दिया। उसके बाद और पेस्ट किया, कंट्रोल वी या फिर राइट क्लिक पर भी पेस्ट मिल जाएगा।
इसको बॉटम लेफ्ट में रखना है। फिर से चलते हैं, रोटेट और रोटेट लेफ्ट 90। ठीक है, इसको भी हमने सही जगह पर अरेंज किया। कीबोर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा डाउन, ये हो गया। उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं। इसको फिर से रोटेट करते हैं, रोटेट लेफ्ट, इसको माउस से उठाकर सही जगह पर ले जाओ। और ये हमने थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन जितना परफेक्ट होगा उतना ही लोगों को पसंद भी आएगा। ठीक है, अब और कंट्रोल वी या पेस्ट करते हैं, इसको भी घुमाना है। तो चलते हैं, किस तरफ घुमाएं, रोटेट राइट 90। ठीक है, और जाकर इसको कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल, और इसको भी ले जाओ सही जगह पर अरेंज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट इसको करना है। अगर माउस से ठीक से करते नहीं बन रहा है तो कीबोर्ड का यूज कर लीजिए, या कीबोर्ड से नहीं आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो माउस का यूज करिए। तो इस वक्त मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग रही है, मैं कीबोर्ड से करता हूं। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। इसको मैं जूम करता हूं थोड़ा सा। अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम आए तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करके जूम करिए। अब इस शेप को घुमाकर हम सही जगह ले जाते हैं। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज भी हम कर सकते हैं। अब इसको अरेंज करो सही जगह पर। ठीक है, थोड़ा सा डाउन डाउन, थोड़े से में ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, फाइल को सेव करना ना भूले। अगर अचानक लाइट बंद हो जाती है तो आपकी सारी फाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए कंट्रोल प्लस एस फॉर सेव। इसको मैं नाम दे देता हूं मास्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्यूटर में आपको इसे कहां सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर ही इसको रखना चाहूंगा, और सेव। ठीक है, सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, तो इसके लिए हम चलते हैं टेक्स्ट टूल में। टेक्स्ट लिया और कहीं पर भी आपने क्लिक कर दिया। अब इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपने टाइप किया GYANBWSTERPDUCATIONL कैन बूस्टर एजुकेशनल हब, सिलेक्ट किया। अब टेक्स्ट टाइप कर लिया है, अब इसको सिलेक्ट करके हम उसका फोन का साइज चेंज करना चाह रहे हैं, फिर कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, या तो आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, या फिर कंट्रोल प्लस ए यानी कि सिलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, चार एरो की है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इन एरो कीज का यूज कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ होम या एंड बटन का भी यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल कंट्रोल प्लस ए का यूज करके सिलेक्ट करेंगे। और फोन का साइज अगर छोटा बड़ा करने की जरूरत हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन से साइज बड़ा होगा और लेस देन से साइज छोटा हो जाएगा। तो मैं पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा करता हूं ताकि आपको सारी चीजें दिखाई दे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एंगल और लेस देन एंगल। ठीक है, तो फोन साइज हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ठीक है, फोन टैप को कौन सा चाहिए, टेक्स्ट टैब में जाकर अलग अलग कई सारे फॉन्ट मिलेंगे, आपको जो भी फॉन्ट सही लगे या फिर जिसकी भी आपको जरूरत हो वो फॉन्ट आपने ढूंढा, सेलेक्ट किया। ठीक है, ये हो गया। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या फिर साइज ऑप्शन आपको यहां पर तो मिलते ही है। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स के चारों जो आउटलाइन दिखाई दे रही है इसकी बॉर्डर, उसको आप पकड़ेंगे और आगे पीछे ड्रैग करते हुए कहीं पर भी शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए, इसके बाद हमने बाहर क्लिक कर दिया तो ये टेक्स्ट हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे एक लोगो चाहिए, तो लोगो के लिए जाएंगे पेस्ट के नीचे, ड्रॉप डाउन बटन है पेस्ट फ्रॉम, और पेस्ट फ्रॉम में आपके कंप्यूटर में कहां पर लोगो रखा हुआ है वहां पर आपको ढूंढना है। जैसे ये आ गया है पेस्ट फ्रॉम, ये रहा हमारा लोगो, सिलेक्ट किया और ओपन।
तो ये लोगो आ गया। लोगो का साइज या तो चारों ओर जो पॉइंट दिख रहा है दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स का यूज करके भी लोगो का साइज छोटा कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका है आप रिसाइज ऑप्शन में जाएंगे और अभी जो भी लोगो का साइज है हमेशा उसको 100% मानकर चलता है। तो 100 की जगह हमने यहां पर कर लिया है 50 और ओके ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत है तो रिसाइज में चलते हैं। अभी भी 100 कह रहा है तो हमने फिर से कहा 50 कर दो और ओके ठीक है, अब परफेक्ट साइज है। लोगो को हम यहां पर अरेंज कर लेते हैं ठीक है। कीबोर्ड से चार एरो की का यूज करके राइट लेफ्ट अप डाउन में जैसा भी आपको सेट करने की जरूरत हो कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं एड्रेस लिखना चाह रहा हूं, तो एड्रेस के लिए टेक्स्ट आपने लिया और एड्रेस पूरा टाइप कर दिया ठीक है, एमपी इसका साइज छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से साइज हमने छोटा कर लिया ठीक है, जितनी भी आपको जरूरत हो उतना आपने इसका साइज छोटा कर लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स का साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आउटलाइन या टेक्स्ट बॉक्स की जो बॉर्डर है उसको पकड़ के आप इसको सही जगह पर ले जाओ। फोन का साइज थोड़ा सा और मुझे बड़ा करने की जरूरत है ताकि थोड़ा सा व्यवस्थित लगे, और इसके लिए या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या फिर मैं यहां पर साइज ले लेता हूं 20 और इंटर 20 में थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो रहा है तो इसको मैं 90 कर देता हूं 19 इंटर ठीक है, ये साइज ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूं, कंट्रोल प्लस एस का यूज करके थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसको सेव करते रहना है ताकि आपकी फाइल में जितने भी चेंजेस अभी तक आपने किए हैं वो सारे चेंजेस आपकी फाइल में सेव हो जाए। अदरवाइज जहां तक आपने कंट्रोल प्लस एस का यूज करके सेव किया था उतना मिलेगा, उसके बाद का आपको दोबारा नहीं मिलेगा अगर अचानक लाइट बंद हो गई और दोबारा जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तब ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक बॉर्डर भी बनाना चाह रहा हूं, तो शेप लिया हमने, कलर में ब्लैक चाह रहा हूं और शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करके बॉर्डर डिजाइन करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी ठीक है, और थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। इसको चार एरो की का यूज करके लेफ्ट या राइट में अरेंज करते हैं, बॉर्डर थोड़ी सी साइज में पतली होना चाहिए ठीक है, ये परफेक्ट साइज है, कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद आगे मुझे चाहिए एक शेप जिसमें मैं यहां पर हेडिंग डाल सकूं सर्टिफिकेट, तो एक शेप ले लेते हैं, ये सही है और आपने ड्रॉ किया ठीक है, इसको सही जगह पर आपको अरेंज करना है बिल्कुल बीचों बीच लगे। अब टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम टाइप कर देंगे सर्टिफिकेट ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फोन का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के किसी भी पॉइंट को पकड़ के हम टेक्स्ट बॉक्स का साइज चेंज करेंगे और अब इसकी आउटलाइन से इसको सही जगह पर अरेंज कर लेंगे ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा राइट में ले जाने की जरूरत है। अगर टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं पर भी हम क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको चेंज करना भी है तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे और फिर से आप टाइप कर लीजिए। हम इसे वापस ले आते हैं कंट्रोल प्लस वाई का यूज करके, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडू, अंडू का मतलब एक एक स्टेप पीछे पीछे चले जाना, और अगर आप ज्यादा ही कंट्रोल प्लस जेड करके पीछे चले गए हैं तो वापस एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस वाई यानी कि रीडू करना है, रीडू का मतलब फिर से करना। तो चलिए इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन इस पे टाइप करेंगे, तो इसके लिए हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, और जहां पर हम चाह रहे हैं उतने एरिया में सिलेक्ट करके हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया और टाइप करते हैं। फॉन्ट हम पहले चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट कौन सा चाहिए, तो मुझे फॉन्ट चाहिए ठीक है ये ले लेते हैं। अब
टाइप करते हैं दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस मिस। इसके बाद स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, तो जहां पर नाम आएगा उस इतनी स्पेस हम छोड़ देते हैं, लगभग इतनी स्पेस लगेगी यहां पर स्टूडेंट का नाम आएगा। इसके बाद सन ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ, यहां पर उनके पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम आ जाएगा, ठीक है, इंटर करके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद अटेंडेंट अटेंडेड द, यहां पर स्पेस हम छोड़ रहे हैं ताकि कोर्स का नाम डाला जा सके कि स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स किया है, ठीक है, जितनी भी जरूरत हो उतना आपने स्पेस दिया। इसके बाद हम टाइप करेंगे कोर्स ड्यूरिंग, अब इसके बाद डेट डालेंगे कि कब से कब तक स्टूडेंट ने ये कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, तो यहां पर डेट इतने में आ जाएगी और थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं। एंड कंप्लीटेड सक्सेसफुली फुल स्टॉप, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। इसके बाद लिखेंगे इन रिकग्निशन ऑफ हिज और हर सक्सेस फॉर फ्यूचर दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी स्पेस दी जाए लाइनों के बीच में, तो हर एक लाइन के बाद में एंटर करके थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहा हूं, इंटर करके इसको थोड़ा सा आगे पीछे सही जगह पर इसको सेट करना है, जैसा भी आपको सही लग रहा है, ठीक है, ये हो चुका है। अब टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कर दिया तो ये सेट हो चुका है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस करके हम इसको सेव कर लेते हैं। हर थोड़ी देर में आपको कंट्रोल प्लस एस करते रहना है ताकि आपकी फाइल सुरक्षित रहे। उसके बाद अब सबसे नीचे यहां पर मैं चाहता हूं ट्रेनिंग सेंटर नेम, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड में यहां पर लिखना चाह रहा हूं सेंटर हेड सिग्नेचर, ठीक है। अब आवश्यकता अनुसार इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हम आगे पीछे थोड़ा सा मूव करेंगे और कंट्रोल प्लस एस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है उसकी सील आ जाएगी और यहां पर सेंटर के जो हेड हैं उनकी सिग्नेचर आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव करना नहीं भूलें। अब सर्टिफिकेट हमने डिजाइन कर लिया है, मास्टर सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट आ रहा है, उसे सर्टिफिकेट देने के लिए सारी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे अजय प्रजापत नाम से कोई स्टूडेंट है तो हमने टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट टूल लिया और जहां पर भी चाहते हैं वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और हमने स्टूडेंट का नाम टाइप किया अजय प्रजापत, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ फोन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो, जैसे कि हम रेड कर लेते हैं, और फोन का डिजाइन भी कोई अच्छा लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का नाम थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट किया, जैसे कि ये तो सिंपल सा लग रहा है, कोई और फॉन्ट लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये अच्छा फॉन्ट है। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कंट्रोल प्लस बी ऑलरेडी है, फिर से हम इसको कर लेते हैं। अब इसको सही जगह पर आपको अरेंज करना है ताकि सर्टिफिकेट अच्छा लगे, और स्पेस बार या टैब का यूज करके थोड़ा सा आगे आना है। यहां पर हम टाइप करेंगे फादर नेम, तो हमने फादर नेम टाइप किया, ठीक है, हमने एक ही टेक्स्ट बॉक्स यहां से कोने तक पूरा बनाया है ताकि अजय प्रजापत और फादर नेम दोनों एक ही लाइन पर रहे, लेवल दोनों का सेम रहे।
अब नीचे चलते हैं, अटेंडेड द, इन्होंने कौन सा कोर्स किया है, हम यहां पर टाइप करेंगे और कब से कब तक किया है, इतने एरिया में टाइप करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इन्होंने किया है टैली प्राइम, और थोड़ा सा इसको अप डाउन करके हम सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ताकि काम करने में कोई समस्या ना आए। अब स्पेस बार का यूज करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोर्स ड्यूरिंग, मान लीजिए इन्होंने कोर्स किया था 25 12 2021 में। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से साइज छोटा, थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस को यूज करूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं, टू में डेट डालना है, तो मैं काम करता हूं 25 फरवरी यानी कि 2 ऑब्लिक लगाना हम भूल गए, ऑब्लिक 2022 में इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपने एक स्टूडेंट की सारी डिटेल डालकर एक सर्टिफिकेट तैयार कर लिया। अब कंट्रोल प्लस एस अगर करते हैं तो ये जो मास्टर सर्टिफिकेट है इसी में ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी, लेकिन हमें इसमें नहीं करना है, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है मास्टर सर्टिफिकेट उसे हमें बचाना है ताकि और भी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बनाकर दिए जा सके। इस सर्टिफिकेट को एक अलग सर्टिफिकेट के रूप में सेपरेट करके हमें सेव करना है, तो इसके लिए फिर हमारे पास तरीका है सेव एज। ठीक है, सेव एज पर क्लिक कर दीजिए, या फिर उसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है F12, तो कीबोर्ड से आपने F12 की प्रेस की तो आपके सामने सेव एज आ जाएगा, और ये जिसका भी सर्टिफिकेट है आपने उसके नाम से सेव कर लिया। ठीक है, और सेव। ठीक है, तो ये अजय प्रजापत के नाम से एक सेपरेट सर्टिफिकेट हमने सेव कर दिया। तो उम्मीद है आपको सेव और सेव एज इन दोनों में फर्क भी समझ में आ गया होगा। सेव का मतलब है आपकी जो फाइल अभी सामने स्क्रीन पर खुली हुई है, करंट फाइल जो है उसमें जो भी चेंजेस हमने किए हैं उन सारे चेंजेस को उसी फाइल में सेव करना है, किसी और फाइल में नहीं। और सेव एज का मतलब आपके सामने स्क्रीन पर जो फाइल खुली हुई है उस फाइल में कोई भी चेंजेस आपने किए हैं और आप चाहते हैं कि वो अलग फाइल के रूप में सेव हो जाए। जैसे हमारे पास मास्टर सर्टिफिकेट था और उसमें एक स्टूडेंट की डिटेल्स हमने डाल दी और हम चाहते हैं कि मास्टर अलग रहे और स्टूडेंट का सर्टिफिकेट अलग हो जाए, तो सेव एज करके हम उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइल हमारी सेपरेट होकर आ जाएगी। तो चलिए अब हम डेस्कटॉप पर चलकर देखते हैं हमारे दोनों सर्टिफिकेट किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसको हम करते हैं क्लोज, और ये देखिए सर्टिफिकेट हमारे दोनों डेस्कटॉप पर हैं। पहला सर्टिफिकेट मास्टर और दूसरा अजय का, तो पहले को हम ओपन करके देखते हैं। राइट क्लिक, ओपन, और ये हमारा सर्टिफिकेट हमारे सामने है। ठीक है, अब हम और भी किसी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बनाकर देना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है और सेव। और सेकंड सर्टिफिकेट को भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा अजय प्रजापत का सर्टिफिकेट भी कंप्लीट है, इसको प्रिंट करके अजय को दे सकते हैं। तो आज की कंप्यूटर शाला में सिर्फ इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी बेहतरीन चीज़ें करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता तो चल गया होगा कि पेंट ब्रश सिर्फ बच्चों का सॉफ्टवेयर नहीं है, काफ़ी काम का है।